हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को क्लास सिक्स के मैथ राउंडिंग नंबर्स को पढ़ाने जा रहा हूं। तो क्लास सिक्स की मैथ लेसन फर्स्ट है, एक्सरसाइज है आपका 1.3। 1.1, 1.2 जो है फिर बाद में समझाऊंगा। ये पहले जो है आप उनको पढ़ा भी चुके हैं। अब 1.3 है, इसको हम किस तरह से जो है समझते हैं, जो इस लेसन के अंदर जो है आपके राउंडिंग नंबर्स हैं, क्या है राउंडिंग नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं निकटतम मान। निकटतम मान राउंडिंग नंबर्स या राउंडिंग फिगर इसको भी बोला जाता है। और दूसरा इसको हिंदी में निकटतम मान, यानी नेरेस्ट 10, नेरेस्ट 100, नेरेस्ट 1000, इसमें आपको जो डिजिट दिया जाएगा इसको कन्वर्ट करना है इन तीनों में, नेरेस्ट 10, 100 एंड 1000, इसमें आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है आपको, यानी चेंज यानी बदलना है। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से आप उनको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले जो है आपको जो है ये नंबर जो राउंडिंग नंबर्स हैं इसको कैसे चेंज किया जाता है, माना है क्या ये चीज़। तो जैसे आपने आपसे पूछा गया कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आपने बोला कि हमारे क्लास में 48, आपकी क्लास में 48 स्टूडेंट हैं, 48 स्टूडेंट हैं। तो इसको हम राउंडिंग फिगर में यानी कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए जो हमारे पास जो है चेंज करने का तीन मेथड है। पहला मेथड, तीन मेथड है, नंबर एक है काउंटिंग करके, काउंटिंग यानी इसको गिन कर, काउंटिंग गिनती लिख के इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड है आपका टेबल बना के, और तीसरा जो मेथड है वो है आपका कंपेयर करना, कंपेयर करना यानी इसकी तुलना करना, इसकी अंक से जो है डिजिट से जो है तुलना करना है। तो काउंटिंग में जो डिजिट हम यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ वो किस तरह से जो है काउंटिंग किया जाता है। हमारे जैसे 48 है, ये कहाँ 4 है, जो हमारे 10th प्लेस में है वो 4 है, तो 4 कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा 40 से शुरू होता है। तो 40 से इसको हम काउंटिंग यानी गिनती लिखेंगे, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये जो
हमने डिजिट लिख दिया यानी काउंटिंग किया, गिनती लिखा हमने यहाँ पर, तो ये जो 48 है हमारा कहाँ पर है, इधर है ये 48। तो ये किसके पास नज़दीक है, ये 50 के नज़दीक है, यानी जो यहाँ 40 है, 40 से हमारा कोर्स शुरू हुआ है, तो 40 से हमारा 48 काफ़ी दूर है और 50 के नज़दीक है इसको, तो इसलिए हम इसको राउंडिंग ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, 48 को ऑफ के लिए इसका 50 हो गया, क्योंकि 50 के नज़दीक जो है 48 है। ये तो आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, दूसरा मेथड में हम इसमें भी वही काउंट गिनती लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, दो पार्ट बनाएंगे इसके। फर्स्ट पार्ट में 1, 2, 3, 4 ये फर्स्ट पार्ट में 1 से 4 तक हमने गिनती लिख दिया। सेकंड पार्ट में हमने 5, 6, 7, 8, 9 यानी ये सेकंड पार्ट में हमने इसकी काउंटिंग कर दिया। अब देखो इसमें आपके क्या है, 8 है, ये जो 8 है आपका, ये कहाँ है आपका, सेकंड पार्ट में है, यानी सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट 4 तक ही है, सेकंड पार्ट में है, तो सेकंड पार्ट में होने के कारण इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे और 4 को 5 बना देंगे, यानी 4 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया आपका, 5 बन गया, तो ये 50 हो गया। ये सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड जो मेथड है आपका कंपेयर, यानी तुलना करते हैं, तो तुलना किससे करते हैं हम, इससे इसकी तुलना जो है आपका तुलना करेंगे 5 से 50 और 500 से, इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना जो हमको चेंज करना है, माने 48 को चेंज करना है, तो इससे कंपेयर करेंगे, यानी इससे तुलना करेंगे। तो तुलना करने से जैसे आपके तुलना, हमको क्या चेंज करना है, 8 को 5 को चेंज करना है, तो 8 डिजिट को देखेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास जो दो डिजिट हैं, दो अंक हैं, तो दो अंक में जो पहला 1 है, दूसरा क्या है, 10 है, तो हमको 10 को चेंज करना है, तो 1 प्लस वाले डिजिट को देखेंगे, तो 1 प्लस में क्या है हमारा, 8 है, तो 8 क्या है हमारा, 5 से बड़ा है, तो बड़ा जब डिजिट होता है तो उस 10 को जो है क्या कर देंगे, 8 जोड़ देंगे, 8 की जगह पर 0 रख देंगे और 4 को 5 बना देंगे। अब ये तीनों मेथड से हमने इसको चेंज कर दिया है, तो ये चेंज करने का एक मेथड है आपका, यानी कोई भी डिजिट है तो किस तरह से हम उसको राउंडिंग ऑफ करते हैं, यानी राउंडिंग ऑफ का मतलब है उसका निकटतम मान कैसे निकालते हैं। तो ये जो है आपके यहाँ पर हमने 3 मेथड से इसको समझा दिया है। अब आगे जैसे कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको दूंगा या समझाऊंगा, तो वो है अब कैसे इसमें, माना आपके पास जो है 154 ये डिजिट है, इसको आपको नेरेस्ट 10, नेरेस्ट 100, नेरेस्ट 10,
नेरेस्ट है, हंड्रेड नेरेस्ट है, थाउजेंड, इसमें आपको कन्वर्ट करना है, इसको चेंज करना है। तो कैसे करोगे इसको? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक टेबल बना दो। टेबल के लिए यहाँ पर नेरेस्ट है टेन, नेरेस्ट हंड्रेड, नेरेस्ट थाउजेंड, इस डिजिट को लिख दो, ये अंक को लिख दो आप टेबल बनाने के लिए। इस तरह से इसको बना दीजिए टेबल बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो है आपको डिजिट तो हमने यहाँ पर लिखाई है, सबसे पहले ये कॉलम बना दिया आपने, ये कॉलम बना दिया। तो नेरेस्ट टेन हो गया, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से इसको टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले ये मेथड टेबल बनाने का मेथड है। तो 154 है, तो 154 को नेरेस्ट टेन में पहले चेंज करना है। तो हम इसको टेबल जो हमने यहाँ पर बनाया था काउंटिंग करके गिनती, यानी इसको दूसरा है आपका टेबल, तीसरा है आपका तुलना कंपेयर टेबल। तो गिनती में आपका 154 है, तो पहले जो है आपको क्या करना है, 150 से काउंटिंग करना है, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 है और 157, 158 159, 160 अब इसमें जो आपका वन यहाँ पर क्या कौन सा अंक दे रहा है आपको, 154 154 दे रखा है, तो 154 इसके नज़दीक है आपका, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 है। ये 154 इधर को कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 अंक के बाद जो है 154 है, और यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 के बाद जो है 154 है। तो ये नज़दीक है आपका यहाँ का, ये 154 जो है 150 के नज़दीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 150, यानी इसको क्या कर सकते हो, तो डाउन में है तो इसको 150 यहां लिख दो, 154 जो है 150 के नजदीक है, ये डाउन में है तो ये डाउन लिख दिया। अप होता तो यहाँ ऊपर लिखता, 160 लिख दिया जाता, लेकिन ये डाउन में है तो 150 लिख दिया। तो ये आपका नेरेस्ट है 10 में चेंज है, 154 चेंज हो गया, यानी कन्वर्ट हो गया, राउंडिंग हो गया। अब इसको इसी को जो है हम क्या करते हैं, टेबल के मेथड से भी जो है इसको देख सकते हैं। टेबल के मेथड से
देखने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर दूसरा जो मेथड था टेबल, तो फर्स्ट है सेकंड जो टेबल बनाया था हमने यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 ये जो टेबल बनाया था इसमें हमारा जो 4 है तो वो कहाँ है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं 0 लिख देते हैं और बगल वाला जो डिजिट है सेम टू सेम वैसे लिख देते हैं, जो 1 और 5 है वो वैसे की वैसे लिख दिया, तब भी हमारा ये चेंज हो गया 150। इतना समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो है हमारा है तुलना करना, किससे तुलना करना है, ए 5 से तुलना करना है, ये 50 से तुलना करना है और ये 500 से इसकी तुलना करनी है। तो यहाँ पर हमारा 154 है, तो 54 को हम नहीं, इसको जो है जब 10 में चेंज करते हैं तो 1 प्लेस को, यानी जो ये 1 प्लेस है इस डिजिट को 5 से तुलना करते हैं, तो 5 से तुलना करने पर जैसे हमारे 4 जो है 5 से क्या है छोटा है, तो उसकी जगह पर हमने 0 लिख दिया और 5 को 5 ही लिख दिया और 1 को 1 लिख दिया। अब इसको हम नियरेस्ट 100 में जो है चेंज करना है, तो 100 में चेंज करने के लिए अब नियरेस्ट 100 का मतलब हो गया आपका ये 1 जो है आपका क्या है 100 में है, तो इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए हमको इसके राइट हैंड साइड के जो 2 डिजिट है उसको देखेंगे, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, इससे तुलना करनी है आपको 50 से तुलना करनी है, इसे तुलना करनी है ना इससे, तो 54 जो है 50 से क्या है आपका बड़ा है, तो इसकी जगह पर जो है क्या करेंगे हम 0 0 लिख दिया, और इसमें जब डिजिट बड़ा होता है तो 100 वाले जो डिजिट है उसको चेंज करके 2 कर दिया, क्योंकि इसमें 1 ऐड कर देते, जब डिजिट बड़ा होता है तुलना करने पर जब डिजिट 50 से ये बड़ा है आपका जिसको चेंज करना है वो बड़ा है, तो उसमें क्या करते हैं हम जो चेंज कर रहे हैं उसको 1 ऐड कर देते हैं, तो ये जो है आपका 200 हो गया। इसके अलावा जो है आपको क्या करना है 1000 में इसको चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर हमारा डिजिट जो है 1000 में नहीं है, तो इसके लिए हम एक डिजिट और लेंगे 4317, तो ये जब इस डिजिट को लिया हमने अब ये 1 हो गया 10 हो गया 100 1000, यानी ये डिजिट है आपके, तो 1000 को हमको चेंज करना है, तो इससे पहले जो राइट हैंड साइड के डिजिट है उसको देखेंगे, तो उसकी तुलना हम किससे करना है 500 से करना है, तो सबसे तो 500 से इसकी तुलना करनी है, तो 500 से ये क्या है बड़ा है या छोटा, तो ये छोटा है, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे 0 0 0 तीन 0 लिख देंगे, और जब छोटा डिजिट होता है तो जिसको चेंज करना है उसको हम सेम के सेम वैसे ही उतार देते हैं, ये आपके 4000 हो गया। अब इसमें हमारा कोई देखा इसमें हमने डैश कर दिया है, तो अब इसको इस जो 4317 है इसको आपको है नियरेस्ट 5 नियरेस्ट 50 में भी नियरेस्ट 100 में भी चेंज कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, अब उस डिजिट उसके हिसाब से देखना है तब भी हो जाएगा, यानी तुलना करने हैं आपको तब भी जो है आपका यहाँ पर डिजिट बन जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा आपके। तो कैसे बनाना है इसको ये मेथड भी देख लो आप, मैं केवल यहाँ पर तुलना करके देख रहा हूँ, अभी आप जैसे 7 है
तो सेवन क्या है आपके फाइव से बड़ा है, सेवन आपके इससे क्या है बड़ा है, तो इसको हमने यहाँ पर जीरो लिख दिया। और जब डिजिट बड़ा होता है तो क्या बोल दिया मैंने अभी, क्या बोला कि बगल वाला जो टेन है में जो डिजिट है उसको चेंज करना है, उसमें वन ऐड करना है, तो ये टू हो गया और ये थ्री फोर, ये आपके नरेस्ट टेन में चेंज हो गया। अब इसी को जो है आपको नरेस्ट हंड्रेड में चेंज करना है, तो हंड्रेड डिजिट के डिजिट को देखना है आपको, हंड्रेड के नीचे कौन सा डिजिट है, थ्री है, थ्री के बाद के राइट के जो राइट हैंड साइड के डिजिट है वो उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर क्या आपका सेवनटीन है, तो सेवनटीन आपका फिफ्टी से बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है ये, तो इसकी जगह पर हम दो जीरो लिख देते हैं, और छोटा जब है तो बगल वाले जो डिजिट है सेम के सेम वैसे ही उतार देते हैं, तो फोर थ्री। जब डिजिट कोई भी इसमें जो भी अंग दे रखा है आपका, जब तुलना करते हो तो उसमें जब बड़ा है तो बगल वाले को एक जोड़ देते हैं, जब छोटा है तो वैसे के वैसे उसको उतार देते हैं। तो ये राउंडिंग निकटतम मान यानी राउंडिंग नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करना है, तो इस तरह से इसको जो है चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेथड जो है आपको मैंने समझा दिया यहाँ पर कि किस तरह से इसको चेंज करते हैं। तो अगला आपको नेक्स्ट इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको मैं अभी आपको और दे रहा हूँ। ये आपके लिए होमवर्क भी है, जैसे 98, 97, 92, 53, 163, 178, 257, 357, 429, 739, ये डिजिट आप लोगों को दे रखा है मैंने। इसको आपको इस तरह से बनाना है जो मेथड मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर समझाया था। पहला डिजिट लिख देना है, दूसरे में जो है आपको नरेस्ट टेन, नरेस्ट हंड्रेड, नरेस्ट थाउजेंड। अब थाउजेंड का डिजिट तो है नहीं यहाँ पर आपके, केवल हंड्रेड तक ही इसको आप लोगों को चेंज करना है, क्योंकि हंड्रेड तक के ही डिजिट हमने यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह से तीन कॉलम बना दिया आपने, ये तीन कॉलम बनाने के बाद आप यहाँ पर 98 लिख दिया, 98 राउंडिंग। और तो नियरेस्ट टेन में है तो इसकी तुलना आप किससे, फाइव से करो, इसकी तुलना आप 50 से करना है, और इसकी तुलना आपको 500 से करना है। अब 98 अभी एट है, एट क्या है आपका फाइव से बड़ा है, तो इसके जगह पर आपको जीरो करना है और नाइन में एक जोड़ देना है, तो आपका हंड्रेड बन गया। यानी जब डिजिट बड़ा होता है तो इसको इसकी जगह पर जीरो है, जीरो कहाँ से आया, क्योंकि जीरो ऊपर है ये आपका, तो जीरो लिख दिया और नाइन में एक जो है आपने ऐड कर दिया, तो क्या हो गया टेन हो गया। उसी तरह हंड्रेड में चेंज करना है, तो हंड्रेड इसमें है नहीं आपका, तो हंड्रेड यहाँ से जो है आपको इस तरह से करना है, 163 है आपका, तो 163 में राइट हैंड साइड के जो डिजिट है आपके 63,
वो जो है आपको 50 से तुलना करना है। तो 50 और 63 इनकी तुलना करनी है। तो ये 63 जो है इससे क्या है, बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो इसलिए इसकी जगह पर क्या करना है आपको, 0 0, और जब डिजिट बड़ा होता है तो एक डिजिट जो है यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 200 हो गया। इस तरह से इसको चेंज करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब ये इसके अलावा मैं आप लेसन यानी आप एक्सरसाइज है 1.3, इसमें आपको कौन कौन क्या क्या चीज है वो उसके बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज 1.3 के अंदर है आपका एड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये 3 क्वेश्चन है, तो इसको भी वही राउंडिंग जो फिगर है उसमें जो है चेंज करके जो है आपको सॉल्व करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा 730 + 998, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, वही मेथड है जो मेथड आपको मैंने अभी इससे पहले समझाया था, तीन मेथड में जो सबसे अच्छा मेथड आपको लगे उस हिसाब से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम इसमें जो मेथड दे रहे हैं उसके 550 और 500 से इसकी तुलना करके इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे आपके 30 है, 30 को जो है हम 100 को चेंज कर रहे हैं, यानी 7 को जो है चेंज कर रहे हैं। तो इसकी जगह पर इससे जो राइट हैंड के साइड के जो डिजिट है हमारे जो अंग है 30 है, तो 30 किससे तुलना करना है आपको, 50 से जो है इसकी तुलना करनी है, क्योंकि 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हमारा क्या है 50 है। तो 50 से 30 की तुलना करनी है, तो 50 से 30 क्या है, छोटा है, तो इसलिए इसकी जगह पर हमने 0 0 लिख दिया। और जब डिजिट छोटा होता है तो जिसको चेंज करना है वो सेम टू सेम वैसे ही उतार देते हैं। तो प्लस अब यहाँ पर 98 है, 98 को भी हम जो है 50 से तुलना करते हैं, तो ये भी जो है आपके 50 से ये 98 क्या है, बड़ा है, तो इसकी जगह पर भी हम 0 0 लिख दिया, और 9 में एक क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 9 को हमने 10 बना दिया। अब दोनों को ऐड करके क्या आ गया आपका 1700, ये आपका आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा ये कि इसमें तुलना करने पर जो है इस तरह से सरल मेथड से इसको आप कर सकते हो। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है इसको। तो 834 - 314 यानी इसको जो है आपको माइनस करना है। तो इसमें भी वही आपको 50 से तुलना कर दो, यानी 34 जो राइट हैंड साइड के जो 2 डिजिट है उसको चेंज कर दो और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 34 50 से क्या है, छोटा है, तो इसकी जगह पर 2 0 लिख दिया, और जब छोटा डिजिट है तो 100 पे क्या है आपका 8 है, 8 को सेम के सेम वैसे ही उतार दो उसको। माइनस 14 आप इससे भी 14 जो है आपके 50 से छोटा है, इसको भी वह सेम वही 2 डिजिट वही मेथड है, 2 डिजिट जो है आपने उतार दिया और
छोटा ये क्या है, 14 जो है आपने 50 से छोटा है, तो इसलिए इसको भी वैसे ही जो 3 है इसको हमने वैसे के वैसे ही उतार दिया। अब 800 में से 300 लेस कर दो तो क्या बचा आपका 005 यानी 500, ये आपका आंसर आ गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है आपका, 578 मल्टीप्लाई 161। अब इसको कैसे आप राउंडिंग ऑफ करना है, फिर इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर भी वही मेथड देखो आप, 50 से इसकी तुलना करनी है। तो 78 यहाँ पर आपका जो राइट हैंड साइड में दो डिजिट है उसको 50 से इसकी तुलना कर दो, यानी ये इससे बड़ा है या छोटा है ये देखना है आपको। तो 78 जो है 50 से क्या है आपका बड़ा है, तो इसकी जगह पर आपको 00 लिख देना है। और जब डिजिट बड़ा होता है तो जिसको आप चेंज कर रहे हैं 5 को, जैसे यहाँ पर 5 है हमारे पास, तो 5 में 1 ऐड कर दिया तो 6 आ गया आपका। तो मल्टीप्लाईज, अब इधर भी है आपके 61 किससे तुलना करनी है, 50 से। तो 50 जो है बड़ा है या छोटा, 50 से बड़ा है या छोटा, तो आपके ये 61 जो है